subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the vitamin K and their basic pharmacology. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि एक तरीके से कोगुलेंट ड्रग है. मीन इसका जो यूज़ है, हम करते हैं यूज़ आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पे, हेमरेज कंडीशन पे. तो बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक जो आपके भी हम फिफ्थ सेमेस्टर के अंडर में यूनिट नंबर 2 में आते हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मई प्रीवियस वीडियोज रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक. सो विटामिन के, तो विटामिन के एक तरीके से फैट सोलबल विटामिन है. जो कि बात करें हम टाइप्स की, तो तीन टाइप्स के होते हैं. विटामिन के वन जो कि प्लांट डिराइव्ड है, विटामिन के टू जो कि हमारे बॉडी के अंदर में जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, जो गुड बैक्टीरिया हैं उनसे बनते हैं, और विटामिन के थ्री जो एक तरीके से सिंथेटिक ड्रग हैं. बात करें हम लोग विटामिन के की, तो विटामिन के इज द नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव. ये एक तरीके से नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव हैं. ये आपके क्वेश्चंस बेसिकली आपके एग्जाम्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आते हैं, कि आपके विटामिन के में कौन सा रिंग होता है. तो आंसर है आपका नेफ्थाक्विनोन रिंग. तो बात करें इसकी केमिस्ट्री की, तो जो विटामिन के वन, के टू और के थ्री है, वो बेसिकली आपके जो कार्बन नंबर एटम जो थ्री है, इस थ्री पोजिशन पर जो प्रेजेंस आपके साइड चेन है, उस साइड चेन्स में डिफरेंट हो सकते हैं. विटामिन के वन जो कि एक तरीके से फाइटेन डाइओन है, वो उसमें जो है आपके फाइटाइल ग्रुप होता है. विटामिन के टू जो कि माइक्रोबियल फ्लोरा डिराइव्ड हैं, जो कि मीना किनोन हम उसको बोलते हैं, वो हैं आपके फिनाइल ग्रुप होते हैं. लेकिन विटामिन के थ्री जो कि सिंथेटिक हैं, वो एक तरीके से उसमें साइड चेन नहीं होते, उसमें एच आपके प्रेजेंस होते हैं. तो ये इसके बेसिक केमिस्ट्री हैं. नेफ्थाक्विनोन इज द मेन डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जीपेट को लेकर. बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के इज़ द फैट सोलबल विटामिन. जैसे हम जानते हैं विटामिन, आपके जो विटामिन हैं वो होते हैं दो टाइप के. एक होते हैं आपके वाटर सोलबल, जिसमें होते हैं आपके विटामिन बी और सी. एक होते हैं आपके विटामिन के, ए डी ई, वो होते हैं आपके फैट सोलबल. तो बात करें हम लोग इसकी इसेंशियलिटी की, विटामिन के इज एसेंशियल मॉलिक्यूल्स और कंपोनेंट्स विच हेल्प्स टू सिंथेसिस ऑफ द वेरियस क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक प्रोटीन नंबर 2, 7, 9 और 10. उसको ऐसे याद रखिए, 2, 7, 9 और 10. तो इसे याद होगा जल्दी से, 27 और 9 और 10. तो आपके बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के जो है आपके ब्लड बॉडी के अंदर में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर में जो प्लाज्मा है, उसमें जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, खासकर 2, 7, 9, 10, उसकी सिंथेसिस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है. उसमें ये इनिशिएट करता है उनका सिंथेसिस को. अगर विटामिन के नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इन क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, और ये नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली आपके जो कोगुलेशन पाथवे हैं, क्लोटिंग पाथवे हैं, वो डिस्टर्ब होगा और आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है. तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं विटामिन के आपके ब्लड क्लोटिंग के लिए. ओके, बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो साइंटिस्ट हैं डेम, उन्होंने जो है 1929 पे एक डिस्कवरी किया या एक थ्योरी दिया. एंड ही प्रोड्यूस द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इन द चिकन बाई फेडिंग देम डिफिशियंट डाइट. तो इन्होंने चिकन पे जो है डिफिशियंट डाइट दिया और देखा कि उनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. अल्टीमेटली जो हमारे डाइट सोर्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जो कि हमारे ब्लीडिंग को या फिर ब्लड क्लोटिंग को कंट्रोल करते हैं. बाद में देखा गया दिस वॉज ड्यू टू द डिक्रीज्ड कंसनट्रेशन और लेवल ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन. डिक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन दैट वॉज क्योर्ड बाई द फैट सोलबल फ्रैक्शन ऑफ द हॉग लीवर. तो बाद में देखा गया कि वो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें प्रेजेंस जो प्रोथ्रोम्बिन की लेवल में कमी होने के कारण से हो रही है. मीन्स डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एंड देट वॉज क्योर्ड. और ये जो बीमारी है, उसको हमने उस समय जो है जो फैट सोलबल फ्रैक्शन है आपके हॉग लीवर को लेके, उनमें जो हमने फ्रैक्शन बनाए, जो खासकर फैट सोलबल फ्रैक्शन हैं, उनको जब हम इंजेक्ट किए, उनको जब हम उसमें दिए उन चिकन्स को, तो वो ठीक हो गए. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके उस लीवर पे फैट सोलबल फ्रैक्शन पे कहीं ना कहीं ऐसा मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिन लेवल को कंट्रोल करता है, उनकी लेवल को मेंटेन रखता है, ताकि वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ना हो सके. तो वो क्या था, आपके विटामिन के था. ठीक है, उसके बाद जो है 1939 पे
जो फर्स्ट विटामिन के है वो आइसोलेट हुआ आपका अल्फा अल्फा ग्रास जो कि प्लांट है, और उस वो आपका K1 वंशु K1 कहा गया, जो कि है आपका फाइटेनडाइओन, ये आपके उसके बेसिक नेम है। फिर जो है बाद में देखा गया कि ये जो सी फिश हैं आपके समुद्री मछली हैं जो है कि सेरडिन, उनमें भी मिलता है, उनसे भी हम आइसोलेट किए हुए आपके विटामिन K2। और ये विटामिन K2 जो है एक तरीके से मिनाक्विनोन है, ये जो मिनाक्विनोन है विटामिन K2 वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो कॉलोनी बैक्टीरिया हैं या माइक्रोबियल फ्लोरा हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं, वो है आपके मिनाक्विनोन। फिर बाद में उसको सिंथेसाइज किया गया, वो है आपके विटामिन K3। तो सिंथेटिक फॉर्म इज द विटामिन K3, दैट इज अ मिनाडायोन। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द विटामिन के। एंड नाउ कम टू द डेली रिक्वायरमेंट। तो जो हमारे बॉडी के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया हैं, माइक्रोबियल फ्लोरा हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट तक लगभग 3 से 10 μg पर डे तक प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डेली रिकमेंड कहती है 50 to 100 μg पर डे या 1 किलोग्राम पर डे। तो अल्टीमेटली हमको डायरेक्टली सोर्स से लेना पड़ता है आपका विटामिन के, ये जरूरी है। ठीक है, बात किसी एक्शन की, तो एक्शन के ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि दिस प्रमोट्स द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। सो बेसिकली विटामिन के इट इज ए को फैक्टर इन द एट ए लेट स्टेज इन द सिंथेसिस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स बाय द लीवर। तो बेसिकली ये जो है आपकी लेट स्टेज सिंथेसिस होते हैं आपके क्लोटिंग फैक्टर्स का, खासकर आपके प्रोथ्रोम्बिन जो कि 2 हैं, आपके प्रोकन्वर्टिन जो कि 7 है, आपके क्रिसमस फैक्टर जो कि 9 नंबर का है, और आपका स्टोर्ड फैक्टर जो कि 10 नंबर का है, इनके सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, और इनके कारण ही आपके ब्लड क्लॉटिंग पाथवेज जो हैं कम्प्लीटली या कंट्रोल रहते हैं। तो ये कमी होगा तो ये कमी होंगे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, अल्टीमेटली आपकी ब्लीडिंग जो कोगुलेशन पाथवे है वो डिस्टर्ब होगा। सो दीज आर बेसिक थिंग्स। नाउ कम टू द यूटिलाइजेशन और ADME ऑफ हेमोकार्टिक फाइल ऑफ द विटामिन के। तो विटामिन के इज द फैट सोलबल विटामिन, जानते ही हैं, लेकिन कुछ वाटर सोलबल भी होते हैं। तो जो फैट सोलबल विटामिन के हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन विया द लिम्फ एंड दे रिक्वायर टू द बाइल साल्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन। बट वाटर सोलबल विटामिन के बेसिकली एब्जॉर्ब डायरेक्टली टू द पोर्टल वेन और पोर्टल ब्लड। जो फैट सोलबल विटामिन हैं वो आपके लिम्फ के थ्रू इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होते हैं, और उनमें बाइल साल्ट जरूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन जो वाटर सोलबल विटामिन के हैं वो आपके डायरेक्टली पोर्टल वेन पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो विटामिन K1 है उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, लेकिन जो विटामिन K2 और K3 हैं वो इजीली बाय द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं फॉर द विटामिन K1 और K2 और K3, एंड दे आर कंसनट्रेटेड इन द लीवर बट नो सिग्निफिकेंट स्टोरेज। ये आपके लीवर पे कंसनट्रेटेड तो होते हैं बट इनका जो स्टोरेज है बहुत ही कम होता है, एंड दे आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर बाय द क्लीवेज साइड चेन क्लीवेज एंड द ग्लूटामेट कॉन्जुगेशन, एंड दे आर एक्सक्रीट बाय द बाइल और यूरिन। तो ये आपके बेसिक हैं आपके ADME और यूटिलाइजेशन और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द विटामिन के। नाउ कम टू द डिफिशेंसी। डिफिशेंसी क्यों होती है? पहला, अगर आप डायरेक्टली सोर्स कम ले रहे हैं, आप इंटेक नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मींस डिक्रीज इन द मेल एब्जॉर्प्शन और डाइट्री इंटेक, और लीवर डिसीज और जॉइंटिस कंडीशन पे भी आपका सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा द क्रोनिक और लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और एंटीबायोटिक थेरेपी। तो हम लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी लें या एंटी माइक्रोबियल थेरेपी लें तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर में जो कॉलोनियल बैक्टीरिया हैं या फिर माइक्रोबियल फ्लोरा हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक काम क्या है, दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब गुड हो बैड हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो लॉन्ग टर्म तक हम लेते रहें और हमारे बॉडी के अंदर में बैड बैक्टीरिया सब मर गए हैं, बचा क्या गुड बैक्टीरिया, तो वो भी किल होंगे, वो किल होंगे तो विटामिन के सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे तो अल्टीमेटली आपको डिसीज हो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द यूज़। यूज़ क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, हम लोग ब्लीडिंग डिसीज में यूज़ करेंगे, एंड दे आर यूज्ड एज ए प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इन द सम सिचुएशंस लाइक डाइट्री इनटेक और डिफिशिएंसी ऑफ डाइट्री इनटेक, क्रोनिक एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, लिवर डिसऑर्डर्स, माल एब्जॉर्प्शन, ओवरडोज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स एंड क्रोनिक एस्पिरिन थेरेपी। तो इन कंडीशन के, मतलब डाइट्री इनटेक कम होने के कारण, या फिर आपके क्रोनिक एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी होने के कारण, या लिवर डिसीज में, या फिर मेल एब्जॉर्प्शन पे, या फिर आपके एंटीकोगुलेंट्स की ओवरडोज होने के कारण, या फिर लॉन्ग टर्म हम अगर एस्पिरिन यूज़ करें तो उनसे होने वाले डिसीज, उनसे होने वाले ब्लीडिंग डिसीज के अगेंस्ट में हम विटामिन के को यूज़ करते हैं। बात करें एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन इज द
एनेसाइटिस, लेकिन ये आपके एंटी प्लेटलेट ड्रग भी हैं, ये ब्लड थिनर ड्रग भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लॉन्ग टर्म तक एस्पिरिन यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकती है। ठीक है, बात करें इसके ADR की या फिर साइड इफेक्ट्स की। ADR मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। विटामिन K1 है, दे में सोज द एलर्जी रिएक्शंस और एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस। एंड विटामिन K3 कॉज द हीमोलिसिस इन द स्पेसिफिक ग्लूकोज 6 फास्फोडाइहाइड्रोजिनेस डिफिशेंसी या डिफिशेंट पेशेंट। तो जिनमें ग्लूकोज 6 G6PD एंजाइम नहीं होते हैं उनमें हीमोलिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम विटामिन K3 यूज़ करें तो। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ द विटामिन के, दैट इज ए कोगुलेंट और हीमोस्टेटिक एजेंट्स। एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीन शॉट। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स माई वीडियोज। एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।